हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो रातें बीट्स। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संडे क्यू एन ए में। आपने कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल पूछे थे, उनका आज मैं जवाब देने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो आइए चले देखते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सवाल की। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है सोहेल वाईटी का। इनका सवाल ये है कि वीवो Y20A मोबाइल में 3.5 mm हेडफोन जैक है क्या? वीवो Y20A मोबाइल में नेक्स्ट अपडेट कब आएगा? तो देखिए सर, इसका कोई भी डेट जो है वो फिक्स नहीं होता कि इस फ़ोन के अंदर कब अपडेट आएगा, लेकिन जब भी इस फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वीवो Y20A के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। और रही बात 3.5 mm जैक की, तो हाँ, उसके अंदर 3.5 mm हेडफोन जैक जो है वो आता है, तो अब इजीली उसके साथ एयरफोन जो है वो कनेक्ट कर पाओगे। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है सूर्य प्रकाश का। इनका सवाल ये है कि भाई, ये जो फ़ोटो में वीवो Y31 लिख के आता है साइड में, उसका ऑप्शन कैसे इनेबल करें? तो देखिए सर, आपको कैमरे सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। वहीं पे जैसे ही जाओगे तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वाटर मार्क लिखा हुआ, तो वहीं पे आपको जाके उसको इनेबल कर देना है। अगर कैसे करना है आपको पता नहीं चलता है, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की लिंक दी गई हुई है डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली वहीं पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको वहाँ पे भेजता हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है श्वेता का। इनका सवाल ये है कि सर, दिन भर में कितना हमने डेटा यूज़ किया है वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, इस फ़ोन के अंदर वीवो Y20A में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता जिससे आप डेटा कितना यूज़ किया है वो इसके अंदर देख पाओ। अदरवाइज़ आपको प्ले स्टोर से यही ऐप्स डाउनलोड करनी होगी, इंटरनेट स्पीड मीटर, तब जाके आप इस फ़ोन के अंदर डेटा कितना यूज़ किया है वो देख पाओगे। लेकिन ये ऐप्स भी सही तरीके से काम नहीं करती, आप कंटिन्यू यूज़ नहीं कर पाओगे। थोड़ा टाइम चालू रहेगी 5-10 मिनट, फिर अपने आप ही जो है वो स्टॉप हो जाती है। पता नहीं वीवो फ़ोन के अंदर ये क्यों होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है आकाश सिंह का। इनका सवाल ये है कि बेस्ट कैमरा वाला फ़ोन 35-40K के बीच में बताइए। तो देखिए सर, आपको 35 या 40K के अंदर कोई अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि OnePlus 9R है, सैमसंग गैलेक्सी S20 FE, ओप्पो Reno 5 Pro, वीवो X60। अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए तो ओप्पो या वीवो ले लो, उन दोनों का कैमरा जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, और OnePlus 9R भी अच्छा है। अब डिपेंड आप पे करता है आपको किस काम के लिए फ़ोन लेना है, और क्या मतलब आप फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हो, यानी कि आपका यूजिंग क्या है, सारा आप पे ऊपर ही डिपेंड करता है। मैंने जो कुछ फ़ोन्स थे वो आपको बताए, वीवो X60 ले लो या तो ओप्पो Reno 5 Pro ले लो। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है स्नेहा राय का। इनका सवाल ये है कि सर, वीवो Y20G ये फ़ोन यूज़ करने में कैसा है, प्लीज़ बताइए, मैंने ऑर्डर किया है। तो देखिए, आप आपने ऑर्डर कर ही लिया है तो आप खुद यूज़ करना, और हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। ऑल ओवर फ़ोन तो बहुत ही अच्छा है, आपको डेली यूजेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे अगले सवाल की। तो यहाँ पे अगला सवाल है हमीद खान का। इनका सवाल ये कि भाई, वीवो V21 VS वीवो X60 कंपेरिजन चाहिए। तो देखिए सर, अभी लॉकडाउन की वजह से ये जो फ़ोन है मेरे पास नहीं आ पाया है। जब भी ये लॉकडाउन खुलता है तब मैं आपके लिए ऑब्वियसली उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप हो सके तो थोड़ा वेट कीजिए। मैं वो फ़ोन मंगाया है लेकिन मेरे पास अभी तक पहुंचा नहीं है, जैसे ही वो फ़ोन आता है मैं आपके लिए कंपैरिजन वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे लास्ट सवाल की। तो यहाँ पे लास्ट सवाल है PS गेमिंग का। इनका सवाल ये है कि वीवो V20 सॉफ्टवेयर अपडेट कब आएगा, प्लीज़ टेल मी। तो देखिए सर, ऐसा कोई भी डेट जो है फिक्स नहीं होती कि कब किस फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, खास करके एंड्रॉयड के अंदर। जैसे कि अभी आईफोन्स के अंदर आ चुका है iOS 14.5, तो सभी फ़ोन्स के अंदर एक साथ जो है वो कंपनी ने सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो पुश कर दिया है। हो सकता है एंड्रॉयड में आगे पीछे होता है, कभी पहले किसी फ़ोन के अंदर आ चुका हो फिर कभी किसी फ़ोन के अंदर आता है, लेकिन जब भी इस फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर से उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वीवो V20 के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का संडे Q&A। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमारे किसी भी वीडियो पे आस्क किशू लगा करके कमेंट कीजिए, तो हम नेक्स्ट संडे आपका भी कोई सवाल होगा तो पिक कर लेंगे। और एक बात दोस्तों, कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप डायरेक्टली वहीं पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपने जो जो सवाल पूछे थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।